चंडीगढ़ से बड़ी खबर आ रही है। आपको बताएं कि विक्रम सिंह मजीठिया की याचिका पर सुनवाई आज। एसएडी नेता ने दायर की है अग्रिम जमानत याचिका। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में होगी मामले की सुनवाई। मामले में पंजाब सरकार ने अब जवाब दायर किया है। मजीठिया पर मोहाली में दर्ज है ड्रग्स मामले में केस और इस मामले में आज सुनवाई होनी है। अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर चुकी है मोहाली कोर्ट और मजीठिया के खिलाफ जारी है लुकआउट नोटिस। अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है श्रोमणी अकाली दल के नेता और श्रोमणी अकाली दल के नेता विक्रम सिंह मजीठिया की अग्रिम जमानत याचिका पर पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में सोमवार को यानी कि आज सुनवाई होगी और मामले में हाईकोर्ट के आदेश के बाद पंजाब सरकार की तरफ से जवाब दायर किया गया है। विक्रम सिंह मजीठिया के खिलाफ मोहाली में ड्रग्स मामले में मामला दर्ज है और वहीं विक्रम सिंह मजीठिया की अग्रिम जमानत याचिका मोहाली कोर्ट की तरफ से पहले ही खारिज की जा चुकी है। अब इस मामले में आज सुनवाई होगी। आपको यह भी बताएं कि सरकार की तरफ से मजीठिया के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया जा चुका है लेकिन मजीठिया अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। यह बेहद अहम जानकारी चंडीगढ़ से। आज मजीठिया की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई होनी है। विक्रम सिंह मजीठिया जो कि अभी पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं और आज उनकी अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई होनी है। अब क्या कोर्ट की तरफ से फैसला दिया जाता है, सुनवाई के दौरान क्या निकलकर सामने आता है वो आपको बताएंगे लेकिन फिलहाल नजर रहेगी इस पर। और ईशा ठाकुर संवाददाता फोनलाइन पर हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। ईशा, क्या जानकारी है सुनवाई को लेकर आपके पास? बिल्कुल, देखिए आज की जो सुनवाई है बहुत ही अहम मानी जा रही है क्योंकि ड्रग्स वो मामला है जिसको लेकर जो पूर्व मुख्यमंत्री थे कैप्टन अमरिंदर सिंह उन पर आरोप लगाया गया था नवजोत सिंह सिद्धू और कई कांग्रेस नेताओं की तरफ से कि उन्होंने ड्रग्स के मुद्दे पर कोई कार्रवाई नहीं की है। ऐसे में विक्रम सिंह मजीठिया जो कि श्रोमणी अकाली दल के वरिष्ठ नेता हैं और पूर्व मंत्री भी रह चुके हैं उनके खिलाफ मोहाली में बीते हफ्ते FIR दर्ज हुई थी लेकिन लुकआउट नोटिस जारी होने के बावजूद अभी तक जो विक्रम सिंह मजीठिया है वो पुलिस गिरफ्त से बाहर है। ऐसे में जो आज की सुनवाई है उसमें ये देखना होगा कि क्या जो पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट है वो मजीठिया को अग्रिम जमानत देता है या नहीं क्योंकि मजीठिया की अग्रिम जमानत की अगर बात करें मोहाली कोर्ट से निचली कोर्ट से पहले ही रिजेक्ट हो चुकी है। ऐसे में मजीठिया ने हाई कोर्ट का जरूर रुख किया है। ये तीसरी सुनवाई है और तीसरी सुनवाई में बड़ा अहम माना जाता है क्योंकि इससे पहले 8 तारीख तक का समय दिया गया था पंजाब सरकार को इस मामले में जवाब दायर करने के लिए। पंजाब सरकार की तरफ से जवाब दायर किया जा चुका है तो ऐसे में क्योंकि जो FIR दर्ज हुई है उसमें मामला 2003 का बताया गया है ऐसे में काफी लंबा वक्त लग गया FIR दर्ज करने के लिए तो यही जो ग्राउंड है। देखिए जो सुनवाई है वो कभी भी हो सकती है क्योंकि काफी अहम सुनवाई है लेकिन जो सुनवाई है वो वर्चुअल तरीके से होगी क्योंकि कोरोना का ग्राफ जिस तरीके से बढ़ता जा रहा है ऐसे में हाईकोर्ट की तरफ से ये निर्णय लिया गया है कि जो आज की सुनवाई होगी वो वर्चुअल तरीके से होगी और ऐसे में जो सुनवाई है वो काफी अहम मानी जा रही है। अगर आज विक्रम मजीठिया को अग्रिम जमानत मिल जाती है तो वो मीडिया के समक्ष आ सकते हैं क्योंकि जब से FIR उनके खिलाफ दर्ज हुई है तभी से वो अंडरग्राउंड है। हालांकि लुकआउट नोटिस जरूर उनके ऊपर खिलाफ जारी कर दिया गया है केंद्र सरकार की तरफ से लेकिन आज की सुनवाई बहुत अहम है और कभी भी इस पर सुनवाई जारी हो सकती है। ठीक है ईशा, ठीक है, इस पर नजर बनाए रखेगा। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया आपका जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।